एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको भी लग रहा है कि मैम इम्प्रूव कर रही हैं और क्वालिटी कंटेंट आ रहा है तो आप प्लीज़ तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो मोटिवेट करता है किसी भी जो कंटेंट क्रिएटर होता है। सेकेंडली, ये वीडियो में मैं हूँ तो यार इसको तो पहले लाइक करना ही है, ठीक है? ऑलराइट, एंड आई विश यू कि नेक्स्ट ईयर में वी गोना मीट अगेन एंड आपका न्यू ईयर भी काफ़ी अच्छा जाए। यू इम्प्रूव अ लॉट, यू ग्रो अ लॉट। तो जैसे कि आपने वो स्टार्टिंग का एक छोटा सा क्लिप देखा, वो हमने शूट नहीं किया है, हमारे एक बाइकर फ्रेंड है पुणे की, शिल्पा शिंदे, उनके अभी जल्दी 50K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो आप उनको भी मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट देते वो भी। तो उन्होंने तो जयेश पाजी ने उनके लिए एक मतलब छोटा सा क्लिप शूट किया था, और आप जैसे कि देख सकते हो हम पीछे एक छोटे से फ्रेम में आ रहे उधर। सो कैसे हो दोस्तों, का ही हालचाल, दिस इज योर सूरज जांगिड प्रेजेंटिंग यू टू दिलदार बाइकर। And today's vlog is going to be all about the day when JS met SJ. नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब वो अपने को मिलने थोड़ी आए थे यार, अपन उनको मिलने गए थे। The day when SJ met JS. नवीन था, अभी नहीं है, बट हो जाएगा दोबारा। यार देखो क्या होता है ना, आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई नहीं होती होती है ना, तो ऐसी जो जहाँ प्यार ज्यादा होता है, उठाया जरा मुझे चेहरा देखा। नहीं, मैं तो मुड़के नहीं देखा पीछे। सो इट इज जस्ट कि देखो क्या होता है, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ लड़ाई भी होती है, बात समझने की होती है, ठीक है? पेरेंट्स की भी होती है, मियाँ बीवी की होती है, गर्लफ्रेंड की होती है। सो ऐसा था, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास जरा 800 थी तो मैं नवीन की बाइक चला के भूसा के मज़े लेता था, और मेरा आधे से ज़्यादा भूसा चलाने का शौक और जो पैशन है ना वो वहीं से आया, नवीन की भूसा। सही है ना? BIC को जा सकते हैं क्या सर? कॉमन पीपल BIC को जा सकते हैं? अब 10 बंदे इकट्ठा हो गया तो 1,00,000 20 हजार का डिवाइड करते हैं, 10 पे शेयर आ गया ना, जस्ट लाइक दैट फॉर 15 मिनट्स। दैट इज योर मिनिमम चार्ज। आप उसके लिए आप DJ चलाओ, आप एक म्यूजिक वीडियो बनाओ या ट्रैक करो, 15 मिनट्स का 1,20,000 प्लस GST। 2 घंटे करना है, 2 सेशन करना है, 15 मिनट 1 सेशन, 2 सेशन करना है तो 2,40,000। अब वो 10-12 लोग करते हैं हमारा वहाँ पे। यार ऐसा मेरा नहीं था, पापा का आरक्षण था, आज भी है, बोर्ड चलाया। उसके बाद तो मैंने स्प्लेंडर भी लिया, स्प्लेंडर प्लस आया था शायद, ठीक है? उसके बाद पैशन प्रो लिया, बिकॉज बुलेट भी लिया था मैंने, तब पॉकेट मनी मिलता था तो बुलेट की एवरेज ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने उसको थोड़ा टाइम रखा। मैं चश्मो लिया था जिसका सिल्वर क्रोम टैंक होता है और साइडों में रबड़ लगा होता है, तो वो वाला लिया था, उसको सेल आउट करके आया बॉट पैशन प्रो सेकंड हैंड, ठीक है? फिर एवरेज के लिए, यार उस टाइम में पॉकेट मनी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है? आपका जाना CVT पल्सर तब नया नया आता, गोल्ड 150 पर्पल कलर, जो मरू पर्पल कलर था वो मैंने लिया था 150। उसके बाद में जब DTSI 220 लिया मैंने, मेरा ब्रदर है, रियल ब्रदर है, बैंगलोर में वो PhD कर रहा है वहाँ से, तो उसको पापा ने उसको दे दिया मेरा वाला, तो मैंने उस टाइम पे लिया। फिर करिश्मा, करिश्मा में जब रोडीज का पहला एपिसोड आया था उस टाइम पे मेरे ग्रुप में 40 करिश्मा होती थी, और ये मैं अभी इंस्टा पे डालूंगा, देखना टॉर्क गैंग करके है, मेरे फेसबुक में तो है, इंस्टा पे मैंने डाला नहीं। 40 करिश्मा विल सी
आई एम स्टैंडिंग आई एम डूइंग व्हीली इन दिस एंड दैट और एट दैट टाइम ट्विस्ट कर रहे हैं ऐसे सीट पे खड़े हो गए ना ऐसे हाथ खोल के खड़े हैं एक हाथ से घुमा रहे हैं 360 बार कर रहे हैं यू शुड डू एवरीथिंग तो बाइक्स को मैंने बहुत सारा चीज मतलब उसके बाद भी एंट्री लिया है अभी मेरा अगर 2014 लद्दाख देखो यूट्यूब में डला हुआ है तो मैं बुलेट पे गया उधर पॉकेट बाइक भी है मेरा आज का वीडियो मैं लगा देखना 9 बजे जो मैंने सुबह डाला उसमें मैंने एक यूट्यूब इवेंट अटेंड किया था जिसमें पावर ड्रिफ्ट की टीम से एक बंदा आया था सत्यन ठीक है उनसे मैंने बात किया था कि आई विश टू कोलैबोरेट विद यू बचपन से आप सब भी पावर ड्रिफ्ट देख रहे हैं तो अपना था कि इनके चैनल में कुछ होना चाहिए अपना हियर एंड हुआ ना आई एम हियर इन पूना जस्ट बिकॉज फॉर अ शूट विद पावर एंड होते होते दैट इज आल्सो कंप्लीटेड ना तो सिमिलरली H2 का ऐसा था मैंने बहुत सारी वीडियो में जिक्र किया था पुराना जिसे फॉलो करते हो स्पेशली जिसमें एक मेरा 10 आर में चला था डॉग आगे आ गया था हम एक ब्रेकफास्ट करने गए थे और H2 खड़ा था मैंने बाहर निकलते निकलते मैं बोला था यार काश एक बार चलाने का वजह एंड दैट ड्रीम आल्सो केम ट्रू बाय द एंड ऑफ द ईयर 1000 आर चला गया था दिवाली के पहले दिन आया था वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर ठीक है आप सब दार वो चीज जानने का मैं पेरेंट्स को भी उसमें आती फरमाइश भी अपने पेरेंट्स भी दिखाऊँ वक्त आने में दिखाएंगे बिकॉज क्या होता है ना आपने स्कूल टाइम में पढ़ा हमने भी पढ़ा टेक्नोलॉजी के फायदे भी नुकसान भी इमेजिनेशन आप करो आई एम पीपल हो कि मैं घर में अकेला रहता हूँ या मैं और मेरे वाइफ ठीक है एक इंडिविजुअल फैमिली आई एम पोस्टिंग अ लाइव स्टोरी आई एम इन पुणे एवरीबडी यू आर हैप्पी तो जिसका गलत माइंड है वो क्या सोचेगा घर पे कोई नहीं है राइट है तो यू हैव टू बी यूज एनी टेक्नोलॉजी वाइजली अपना फेसबुक है इंस्टाग्राम है तो दैट इज़ अ सजेशन गाइस ठीक है हर चीज़ आप इतना ट्रांसपेरेंट मत करो पर्सनल को पर्सनल रहने दो फन हॉबी हॉबी रहने दो नासिक भी ट्राई करना मैं अरेंज करूंगा सब कुछ मतलब हॉस्पिटल मैंने अपना ऑफिस सेट किया था अब आपको क्वेरीज होंगे ऑफिस में किसी से मैं आपको बता दूँ मैंने जॉब करी मैंने सीखा आई ओपन लाइक माय ओन ऑफिस इसमें मैं आईटी का काम करता हूँ आईटी सर्विसेज में क्या क्या मेजरली होता है ईमेलिंग न्यूज़लेटर पोस्टिंग डोमेन वेबसाइट मेंटेनेंस उसके बाद में आ जाता प्रिंट डिज़ाइन जैसे कोरल ड्रॉ एंड दिस ऑल सॉफ्टवेयर वो ओपन जो उसमें फाइल होते हैं जैसे अब यहाँ पे कुछ कंपनी लिखा हुआ दिख सकता है तो कंपनीज आ विद अस टीम में जैसे इवेंट आ गए हमें IBW आ गए सर अपने वहाँ देखा डिजाइनिंग ऐसा काम हमारे पास आता करते हैं मुंबई में क्या कब होगा मुंबई जाऊँगा नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ 6 साल मैंने स्टार्ट किया था 0 से अकेला बैठा मैं 1 साल ठीक है टचवुड बाय ग्रेस ऑफ गॉड प्रॉपर्टी मेरे पापा का मैंने रेंट लिए रेंट होता तो मेरा ऑफिस बंद हो जाता मैं ऐसे ही जॉब करता तो 1 साल में खाली बैठा बहुत कम काम था मैंने प्रैक्टिस किया मैंने सॉफ्टवेयर सीखा खुद से फ्री टाइम होता ना यूट्यूब जिंदा इफ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न एनीथिंग अभी भी अगर रीसेंट मेरे वीडियोस देखोगे तो मैं कुछ इफेक्ट्स डाल रहा हूँ कुछ ट्रांजिशन डाल रहा हूँ किसी ने नहीं सिखाया मैंने कहीं से नहीं सीखा आई स्टार्टेड लाइक यूट्यूब पर खाली टाइम है मेरे पास तो मैंने देखा ट्यूटोरियल देखा और स्टार्ट किया यूज़ करना सो 1 साल के बाद थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ बिजनेस एक लड़का रखा है ना
कैसे अमेजिंग था ये लोग प्रूफ। सबके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, Q&A हुआ, सवाल जवाब एंड बहुत सारा एंटरटेनमेंट हुआ। हुआ नहीं हुआ, हुआ! तो ये था सब दोस्तों आज की वीडियो के बारे में। और ये मतलब एक छोटा सा वीडियो बनाया था, हमारे पास कंटेंट था ये, उस वक्त हमने ऐसा शूट नहीं किया था कि हम कभी YouTube पे अपलोड करेंगे या कहीं पे अपलोड करेंगे, जस्ट मेमोरीज के लिए अपने रियल हीरो आए थे तो उनसे मिले और अपने अपलोड कर दिया और ये था ठीक ठाक। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, पाजी का कोई डायलॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें बिना मत जाना। और आपको बता दूं कि परसों एक अफलातून वीडियो डालने वाले हैं अपन, तो कहाँ गए थे क्या किया था पता नहीं, लेकिन इसी साल का वीडियो है बता देता हूँ और एकदम अफलातून था। तो अगर आप मतलब ये चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। It's that Zach, you go, no, she my flow, yeah, 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 yeah. It's that Zach, you go, no, she my flow, yeah.